नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे समांतर शिक्षण तथा स्टेशन शिक्षण या स्टेशन टीचिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, ये शिक्षण योग्यता का पाठ नंबर 9 है जो UGC नेट दिसंबर 2019 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, वीडियो देखिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जिन्होंने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है व्हाट्सएप और टेलीग्राम, उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उनको PDF मिल जाएगी। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो पेन पेपर उठाइए, नोट्स बनाते जाइए, आपकी बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर आपको भी हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो नेक्स्ट स्लाइड में उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले अगर हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझें जो वो आसानी से हो जाएगा। समानांतर शिक्षण का मतलब क्या, देखिए शिक्षण तो होता है टीचिंग, समानांतर मतलब कि एक समान, मतलब कि ऐसी टीचिंग जो एक समान हो, है ना, उसे बोलते हैं समानांतर शिक्षण। समानांतर शिक्षण एक सहयोगी शिक्षण पद्धति है। ये कौन सी पद्धति है? एक सहयोगी शिक्षण पद्धति है, ठीक है। इसमें क्या होता, जहाँ दो शिक्षक, जिसमें एक सामान्य शिक्षा शिक्षक और एक विशेष शिक्षा शिक्षक होता है, इनकी समांतर शिक्षण है क्या, आप इसको समझिए। ये इसमें दो शिक्षक होते हैं, यानी कि दो टीचर होते हैं, एक होता है सामान्य शिक्षा शिक्षक जो साधारण होता है, एक होता है विशेष शिक्षा शिक्षक जो खास तौर पर बुलाया जाता है। यानी कि इसमें दो टीचर हैं, दो शिक्षक हैं, एक जो रेगुलर पढ़ाता है, जो सामान्य रूप से पढ़ाता है, एक आपको विशेष रूप से पढ़ाएगा। यानी कि अगर हम मैथ का कोई सवाल करें, आपको एक समान तरीके से कराएगा, एक विशेष शिक्षक जो होगा आपको उसके ट्रिक्स बता देगा, है ना। तो दो शिक्षक हो गए। तो सबसे पहली बात है कि समानांतर शिक्षण में दो शिक्षक होते हैं, समानांतर शिक्षक और विशेष शिक्षा शिक्षक। संयुक्त रूप से पाठ की योजना बनाने के लिए उनकी विभिन्न शैलियों का उपयोग करना। देखिए, संयुक्त रूप से यानी कि जो दोनों शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही पाठ को पढ़ाते हैं, यानी कि वो डिफरेंट लेसन नहीं पढ़ाते। वो क्या करते हैं, एक पाठ को उठाते हैं, एक पाठ को उठाने के बाद वो क्या करते हैं, दोनों टीचर क्या है, उस पाठ को अपने अपने तरीके से करवाते हैं। यानी कि वो दोनों टीचर मिलके, दोनों शिक्षक मिलके एक योजना बनाते हैं कि कौन सा पाठ करवाना है, कैसे करवाना है, कौन कौन सा पाठ कौन कौन टीचर करवाएगा। वो आपस में क्या करते हैं, पाठ की योजना बनाकर पाठ को बांट लेते हैं दोनों शिक्षक आपस में। तो यानी कि दोनों शिक्षक जो है वो संयुक्त रूप से एक पाठ की योजना बनाते हैं। वे कक्षा को आधे में विभाजित करते हैं और प्रत्येक एक समय में दो समूहों को एक ही पाठ पढ़ाता है। यानी कि वो करते क्या है, वो पूरी क्लास को इकट्ठा नहीं पढ़ाते, वो क्या करते हैं, जितनी भी पूरी क्लास होगी, यानी कि 40 बच्चे तो 20-20 में डिवाइड कर देंगे, है ना। वो क्या करते हैं कि पूरी क्लास को आधे में, आधे बच्चों में, मतलब कि आधे में, हाफ में डिवाइड कर देंगे, आधे में विभाजित कर देंगे, जिससे वो एक ही समय में दो समूहों को पढ़ाते हैं। यानी कि मान के चले कि 40 बच्चे हैं, वो 20-20 बच्चों के दो ग्रुप बना देंगे, तो एक ग्रुप को एक टीचर पढ़ाएगा, एक ग्रुप को दूसरा टीचर पढ़ाएगा, वो एक ही समय में पढ़ाएगा। इसलिए क्लास को पढ़ने के स्तर के अनुसार विभाजित किया जाता है। अब बात आती है कि जो क्लास को आधे में विभाजित किया जाता है, वो ऐसे नहीं कि ऐसे ही उठा के कर दिया, वो क्या करते हैं कि पढ़ने के स्तर के अनुसार करते हैं। यानी कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, होशियार है, उनको एक तरफ, जो थोड़े से जो बिल्कुल नालायक है उनको एक तरफ बिठा दिया जाता है, है ना, वो पढ़ने के स्तर से। जिसका हाई लेवल उसको एक तरफ बिठाया जाता है, जिसका लो लेवल उसको एक तरफ बिठाया जाता है, ऐसे क्लास को आधे में विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, छात्रों का व्यवहार, अब क्लास को पढ़ने के स्तर के अनुसार विभाजित किया जाएगा। दूसरा नंबर आता है व्यवहार, जो छात्र बहस करते हैं टीचर से, है ना, जो छात्र बात में बहस करते हैं उनके व्यवहार के अनुसार भी, बातों नहीं छात्र जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उनके अनुसार। यानी कि क्लास को आधे में विभाजित किया जाता है किसके द्वारा, उनके पढ़ने के स्तर के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, उनके बातों नहीं जो छात्र होते हैं उनके अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके अनुसार क्लास को विभाजित किया जाता है। समानांतर शिक्षण विकलांग छात्रों या सीखने की जरूरत वाले छात्रों के लिए भी अनुमति देता है। समानांतर शिक्षण में ये नहीं होगा कि नहीं विकलांग छात्र नहीं पढ़ पाएंगे या सीखने वाले छात्र जो वो नहीं पढ़ पाएंगे, ये सभी को इसमें, ये सभी को पढ़ाने की इसमें छात्रों को अनुमति देता है। लेकिन जो छात्र सीखना चाहते हैं, जो छात्र विकलांग है, वो भी इसमें सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समर्थन की इच्छा प्राप्त, इसमें क्या होता है, समर्थन की इच्छा होती है ना, इसमें छात्रों को समर्थन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात देखिए, हमने अभी
ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने हम पढ़ा समानांतर शिक्षण, एक बार आपको मैं इसकी समरी बता दूँ, हमने पढ़ा क्या समानांतर शिक्षण में। समानांतर शिक्षण क्या है? एक ऐसा शिक्षण है जिसमें दो शिक्षक होते हैं, एक होता है सामान्य ज्ञान वाला शिक्षक, एक होता है विशेष ज्ञान वाला शिक्षक। ठीक है, दो शिक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ही पाठ को पढ़ाते हैं एक ही समय में, यानी कि दो ऐसे शिक्षक, दो शिक्षक होते हैं समानांतर शिक्षण में जो एक ही पाठ को एक ही समय पढ़ाते हैं। वो क्लास को हाफ में या आधे में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। वो किसके अनुसार बांटते हैं? जैसे छात्रों का पढ़ने का स्तर, व्यवहार तथा बतौनी छात्र, है ना। तो बस ये हमने पढ़ लिया। तो अंत में यही कहेंगे कि समानांतर शिक्षण ऐसा शिक्षण है जिसमें जो दो शिक्षक होते हैं जो एक ही समय में एक ही पाठ को पूरी क्लास को पढ़ाते हैं पर आधे आधे में डिवाइड करके। तो बस हो गया हमारा स्टेशन टीचिंग। तो जानते हैं स्टेशन टीचिंग है क्या? सिंपल सी बात है, देखिए स्टेशन का मतलब क्या है, जैसे जब रेलगाड़ी चलती है ना, हर स्टेशन पर रुकती है ना। तो वैसे ही ऐसे इसमें क्या होता है कि बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है, जैसे क्लास में जितने बच्चे हैं उनको ना, उनको छोटे छोटे ग्रुप में बांटा जाता है, तो उसको ग्रुप को कहते हैं स्टेशन। तो जब टीचर शिक्षक जो अपनी शिक्षक जो टीचर जो उनको पढ़ाता है उसे कहते हैं टीचिंग। यानी कि बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटना वो हो गया स्टेशन, और टीचर के द्वारा शिक्षक के द्वारा पढ़ाना उसे बोलते हैं टीचिंग। दोनों को मिला के क्या बना? स्टेशन टीचिंग। तो इसको जानते हैं क्या है ये। प्रत्येक शिक्षक बच्चों के एक छोटे के समूह के साथ काम करता है, जिसमें देखिए इसमें दो टीचर होते हैं, है ना, दो टीचर होते हैं इसमें। इसमें क्या करता है कि दो भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, वैसे नॉर्मली दो ही होते हैं। इसमें क्या करता है कि प्रत्येक शिक्षक बच्चों के एक छोटे समूह के साथ काम करता है। यानी कि इसमें होता क्या है कि एक क्लास को इन्होंने क्या करते हैं कि कई ग्रुप में बांट देते हैं, जैसे 5 से 6 ग्रुप या 8 से 10 ग्रुप में बांट दिया, है ना, 50 बच्चों को 5-5 के ग्रुप में बांट दिया। तो प्रत्येक शिक्षक क्या करता है कि छोटे छोटे जो ग्रुप बनाया है, छोटे छोटे जो समूह बनाया बच्चों का, उनके साथ वो काम करता है। वो क्या करता है, जैसे 10 ग्रुप बना दिए 5-5 बच्चों के, 50 बच्चों को डिवाइड कर दिया, अब उनको वो तरह तरह की एक्टिविटी करने के लिए देगा। आप ये देखिए, मान के चलिए कि जैसे एक घंटे में, जैसे मान के चलिए कि 45 मिनट का लेक्चर जो होता है नॉर्मली, है ना, 45 मिनट का जो लेक्चर होता है उसमें क्या होता है कि एक टीचर एक ही लेक्चर को पढ़ाएगा, है ना। अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो बच्चों के पास टाइम भी कम है, तो होता क्या है कि जो टीचर क्या करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं, ताकि उसी 45 मिनट में एक ही सब्जेक्ट ना पढ़ा के तरह तरह के बच्चों को चीज़ें करवाई जाएं। यानी कि अगर हम एक समय में एक चीज़ पढ़ाएंगे तो उसी समय में, एक ही समय में हम तरह तरह की टीचिंग बच्चों को चीज़ें भी पढ़ा सकते हैं, पर किसके द्वारा पढ़ा सकते हैं, वो स्टेशन टीचिंग के द्वारा। तो इसमें प्रत्येक शिक्षक जो है वो एक छोटे छोटे समूह के साथ काम करता है, उनको एक्टिविटी देता है करने के लिए, जो विभिन्न स्टेशनों के बीच एक ही निर्देशात्मक सामग्री के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए घूमते हैं। यानी कि जो विभिन्न स्टेशनों के बीच, विभिन्न स्टेशन मतलब कि जो विभिन्न बच्चों का जो समूह बांटा गया है उसमें वो निर्देश देते हैं, जो निर्देशात्मक सामग्री यानी कि जो टीचर ने कहा है बच्चों को पढ़ने के लिए या करने के लिए, उनको वो देखते हैं कि ये काम पूरा करे कि नहीं। यानी कि जो जो स्टेशन बच्चों के बना दिए हैं, जो ग्रुप बना दिए, जो समूह बना दिए हैं, उनको वो जो जो काम देते हैं वो साथ में घूम घूम कर देखते हैं कि जो इनको निर्देश दिया था वाकई ये काम करें कि नहीं। स्टेशन शिक्षण समय का एक कुशल उपयोग है जो सभी छात्रों को कई संबंधित शिक्षण गतिविधियों का अनुभव करने की अनुमति देता है। देखिए ये लास्ट पॉइंट है, यानी कि स्टेशन शिक्षण है क्या? समय का एक कुशल उपयोग है जो सभी छात्रों को इस संबंधित शिक्षण गतिविधियों का अनुभव करने की अनुमति देता है। देखिए सिंपल सी बात, मैंने आपको जैसे बताया कि 45 मिनट का लेक्चर मान के चलिए, अगर टीचर 45 मिनट में किसी बच्चे को पढ़ाता है वो उसको एक ही चीज़ पढ़ाएगा। अब इसमें क्या हो गया, अब वो 45 मिनट ही है पर वो करता कर क्या रहा है, उसमें क्या है, बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट के वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को उसी समय में कई चीज़ें करवा रहे हैं, जैसे मैथ, साइंस, सोशल, ये वो सब कुछ करवा दिया। कहाँ एक घंटे में पहले मैथ करवाएगा, कहाँ बच्चों के पास वो इतना टाइम तो है नहीं, अब टाइम कम है, बर्डन ज़्यादा है, तो बच्चे वो क्या करते हैं कि छोटे ग्रुप में बांट के अलग अलग तरह की एक्टिविटी करने के लिए दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या होता है कि जो छात्र है वो कई शिक्षण गतिविधियों का अनुभव करते हैं। जैसे मान के चलिए दो टीचर हैं, एक टीचर को कुछ कह देगा करने के लिए, एक टीचर कुछ कह देगा, तो इससे क्या होगा, उनको कई तरह की शिक्षण गतिविधियों का अनुभव होता है, है ना। उनको एक ही घंटे में या एक ही 45 मिनट में या आधे पौने घंटे में उनको वैरायटी चीज़ करने के लिए मिलेगी। पहले एक सब्जेक्ट करते थे, अब उनको 4-5 मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, स्टेशन शिक्षण में
यानी कि स्टेशन टीचिंग में हमने क्या सीखा है आज। हमने सीखा है कि स्टेशन टीचिंग वो टीचिंग है जिसमें बच्चों को एक ही समय में काफ़ी डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें करवाई जाती हैं, ठीक है। इसमें बच्चों का ग्रुप बांटा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो हम हिंदी के लेक्चर, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर दे रखा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।